पीछे जो आप शोर सुन रहे हो, आप लोगों को बता दूं, आज तारीख है 8 मई, यानी कि इस दिन गंगा माता का जन्मदिन। एग्जैक्टली, गंगा माता जी का जन्मदिन। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज आकाश बावा, आई एम योर दोस्त एंड द होस्ट ऑफ दिस चैनल। सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, दिस इज नॉट द बिगनिंग ऑफ द ब्लॉग, एक्चुअली इट इज द एंड। हम लोग यहाँ पर वीकेंड एंजॉय करने आए थे, तो हम लोग ऋषिकेश से थोड़ा हटके एक जगह एक्सप्लोर करने आए थे। हम इस समय है मोहन चट्टी पे, ऋषिकेश से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। कल हम लोग सुबह 4:30 बजे के निकले हुए थे, ब्रेकफास्ट वगैरह किया। ऋषिकेश तक पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगे गए, रास्ते में मेरे दोस्तों की तबीयत खराब हो गई। ऋषिकेश से 14 किलोमीटर दूर है ये, और वहां तक आने के लिए हम लोगों को 1 से 1.5 घंटा और लगा। बहुत सुंदर सुंदर वादियां हम लोगों को देखने को मिली, और जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो हम लोगों को थोड़ा सा लगा कि पता नहीं यहाँ पे हमारा दिन कैसे जाएगा, लेकिन बहुत बेस्ट था। हम लोग बेसिकली ऋषिकेश जाना भी नहीं चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे थोड़ा सा आउटर एक्सप्लोर करना, तो इसलिए हम लोग मोहन चट्टी शिव विलास पर आए हैं। जो इन चीजों का मजा है, इसका मजा अलग ही है। हो रहा मेरा फ्रेंड अंशुल, डीप है यहाँ पे भी, मतलब 6.5 तक होगा। और सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा आप सभी लोगों को, हमारी केरला सीरीज पे इतना जबरदस्त प्यार दिखाया ना आप लोगों ने। 18 डेज के अंदर 247 प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे गेन हो गए, जो कि मेरे लिए तो फिलहाल बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्लस में 10,000 से कम व्यूज किसी वीडियो पे नहीं आए, बहुत अच्छी सीरीज जा रही है। सो थैंक यू सो मच, जल्दी से इस वीडियो को भी प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपना प्रॉपर्टी व्यू। सो ये हमारा शिव विलास होटल, ये हमारा मेन डोर से एंट्री है। सो इधर आपको बच्चों के लिए प्लेग्राउंड मिल जाएगा, ये स्विंग है, पूल, ये इधर हमारा रूम है। लेकिन अभी मैं दिखाता हूँ आपको टेरेस, यहाँ पे भी एक स्पीकर पड़ा है, खोल दो, हम अपना भी लाए थे, पर ये भी है। सोफा है, डाइनिंग टेबल है, और यहाँ पे हम लोगों ने रात को डिनर वगैरह किया। व्यू बहुत ज़बरदस्त है, रात को यहाँ का जब व्यू होता है कुछ इस तरीके का होता है। इन हाउस फैसिलिटी सारी है, रात का सीन है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे तो यार ये बहुत सही प्रॉपर्टी लगी, भगवान कसम ऐसी जन्नत है ना, मजा आ गया, कसम से बोल रहा हूँ। मैं सच बताऊँ आपको, मैं आ रहा हूँ अब ब्लॉग करने बेसिकली, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कर रहा हूँ फुल एंजॉय। एंड केरला यार व्यू, रिलैक्स करना है तो यार ऐसी जगह आओ जहाँ कुछ ना मिले बाहर का, यहीं पे जो अवेलेबल है ठूसा ठासा, और मस्त करो मजे जिंदगी पे। ये है हमारे चेतन भैया, जिनकी प्रॉपर्टी है बेसिकली है शिव विलास, मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, जरूर आओ, और मतलब परिवार जैसे हैं ये भी। इनका नंबर जो है मैं इधर स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे, वहाँ मैं डाल दूंगा, कांटेक्ट करो इन्हें और जरूर आना। तो थैंक यू सो मच मिस्टर चेतन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। मैं सच्ची बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ से जा तो रहे हैं और ऐसे कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है, मेरे को भी पैसे नहीं दिए इन्होंने, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त प्लेस है। बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग सैटरडे आए हैं और संडे यहाँ से जा रहे हैं, ये बता रहे हैं बारिश के टाइम पे। ये वाला जो एरिया है ना, बारिशों के टाइम पे ये जो पत्थर पड़े हैं ना बीच में, यहाँ पे पानी आ रहा होता है 1-1.5 फीट का, 1-1 फीट का, और यहाँ पे ये टेबल बनाए होते हैं, यहाँ पर लोग बैठ के अपना डिनर करते हैं, कॉकटेल्स इन्जॉय करते हैं, मॉकटेल्स इन्जॉय करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये मत एक्सपेक्ट करना कि आसपास आपको कोई रेस्टोरेंट या कोई प्लेग्राउंड टाइप्स ऐसा कुछ मिलेगी। आओ तो सिर्फ 2 दिन रिलैक्स करने आओ। मैं मिस करूंगा हमारे इस पॉइंट को, हम लोग नहाए धोए। तो भाई प्लान अब ऐसा है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ, हर की पौड़ी पे मारेंगे डुबकी, और शायद हो सकता है हम लोग जाएं मनसा देवी के दर्शन के लिए भी। वैसे 99% हम जाएंगे, लेकिन जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि हमारे वीडियोस में कभी भी कोई भी प्लान चेंज हो जाता है। सो गाइज, हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार, मनसा देवी के उस पर जा रहे हैं रूट पे, बात करते हैं दर्शन की। दर्शन हो गए हमारे, बहुत सही दर्शन हुए। सो मनसा देवी जी हैं कौन, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, वैसे मैं भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा भाई भी जानेगा, आप लोग भी जानो। मनसा देवी जी भगवान शिव की नाग कन्या हैं, जिनका जन्म महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था। और ये जो मंदिर है, महिषासुर का वध करने के बाद उन्होंने जहाँ पे विश्राम किया था वहाँ पर ये मंदिर
बनाया गया है। तो जो वीडियो अभी आप देख रहे हो ये मनसा देवी जी की है, ये राक्षस है। आओ चलो आपको एक नई चीज दिखाते हैं। आकाश भाई क्या कह रहा था तू? ये दोनों है मासी के लड़के। मासी के लड़के। आज तारीख है 8 मई नहीं, नहीं, और आज जो है गंगा माता जी का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। हम लोग हैं यहाँ पे, भैया ये जगह का नाम क्या है? हम लोग हैं देवराना रेस्टोरेंट पर, मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर आगे। दिल्ली यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। और अभी आप लोगों ने देखा कि आरती वारती भी हम लोगों ने की। आरती हम लोग देख नहीं पाए, उसका थोड़ा सा अफसोस है, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो स्नान किया ना, हाँ उसने हमारा थका शरीर था, सारी थकावट दूर। सही सही कह रहा है ये। और बस अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं, सबका अपने अपने अलग अलग चॉइसेस है। कोई बर्गर सिंह जा रहा है, कोई सब जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हम लोग जा रहे हैं सबवे कुछ खाने के लिए। सो कुछ यहाँ से खाएंगे पियेंगे और फिर फटाफट निकलेंगे अपने घर की तरफ। भाई किंग रोल वाले ने बोला था कि आप निराश नहीं होंगे, भयंकर निराश हो गए, आधे आधे रोल बाहर फेंके हैं हमने, कोई फ़ायदा नहीं है, मत खाना भाई। ऐसे वो बोलते ना, ऊँची दुकान फीके पकवान, बिल्कुल ये वो वाली कहानी है। ट्रस्टेड ब्रांड धोखा दे गए। यहाँ पे करते हैं हम अपना व्लॉग क्लोज। अब आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आप लोगों को सुबह वाली हमारा डेस्टिनेशन पसंद आया होगा जहाँ हम रुके थे। मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर जाना शिव विलास। और सेकेंड, आप लोगों को मज़ा आया होगा आरती देखने में, मज़ा आया होगा मनसा देवी की कहानी जानने में। जो पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके बताओ। सो एंड में बस इतना ही, वारी वर्सी खटन गयासी खट के ल्यान दे राइस। काइंडली सब्सक्राइब।